जिसको एनसीआर ने बताया था कि एक ऑर्गेनिजम जिस इन्वायरमेंट में भी, भी रहता है उसको हम बोलते हैं जिस जहां पर वो फिजिकली प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। वहां पर रह करके जो वो काम करता है उसका जॉब क्या है उसका रोल क्या है वो रिसोर्स क्या यूटिलाइज कर रहा है उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल निश तो हैबिटेट और निश में फर्क होता है जो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था बेटा साथ ही साथ डन हमने एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा ली थी तो आपको अपने तरफ से बस थोड़ा सा करना पड़ेगा हमने ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी तो पढ़ ली हमने ये देख लिया कि एक ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहता है उसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो हमने कुछ फिजिको केमिकल कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे और उन कॉम्पोनेंट्स में क्या क्या थे वी टॉक्ट अबाउट दी ए बायोटिक फैक्टर्स है ना कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर के बाद हमने डिस्कस किया था पानी के बारे में जल ही जीवन है ठीक है जल है तो कल है एंड ये yes, हमने आगे क्या बात किया था दी लाइट बेटा लाइट नहीं होगी फोटोसेंथिस नहीं होगा प्लांट्स नहीं मिलेगा ये जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो आपको कमी हो जाएगी मिलेगी नहीं और फिर मर जाएंगे है ना एंड देन वी टॉक्ट अबाउट सॉयल ठीक है सब कुछ हमने कर लिया था एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिया अब ये जो एबायोटिक फैक्टर से बेटा ऑर्गेनिज्म इनको रिस्पॉन्स शो करता है डेफिनेटली करता है अगर मैं टेम्परेचर का एग्जांपल लू क्या टेम्परेचर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड इट इज सेम कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कहीं का टेम्परेचर बहुत कम है पढ़ा तो था हमने पोलर एरियाज में नेगेटिव में भी जा सकते हैं राजस्थान में जहाँ सहारा सहारा डेजर्ट के जहाँ पर डेजर्ट है डेजर्ट वाला जो रीजन है वहां पर इट कैन गो 50 डिग्री और कुछ ऐसे जगह पर हैं वहां पे भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बेटा जहाँ पर 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है बॉलिंग वाला टेम्परेचर तो ये ऑर्गेनिजम्स वहां पर कैसे रह पा रहे दैट मीन्स कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स करते होंगे किसी ना किसी से अडेप्ट मतलब अपने आप को अडेप्ट कराते होंगे तो एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है जिस इन्वायरमेंट में रहता है बेटा वहां पर वो अडेप्ट कैसे होता है डिफरेंट ए बायोटिक फैक्टर्स को झेलने के लिए इस लेक्चर में हमें वो पढ़ना है और हमें पढ़ना है कि जो ए बायोटिक फैक्टर्स से है उससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कैसे करता है ठीक है और स्टार्ट करते हैं आज का दो जो टॉपिक है मेजर वो रिस्पॉन्स पढ़ने हैं और हमें अडेप्टन पढ़ने हैं ठीक है अभी तक बेटा ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी है नेक्स्ट चैप्टर में जब सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे ना तब हमारी पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी शुरू हो जाएगी ओके okay, तो सबसे पहले आप देख रहे हो एक स्क्रीन लगा हुआ है ये स्क्रीन शॉट ही हम बेटा अपना पहला रिस्पॉन्स वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तो हैविंग रियलाइज दैट दी एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स

कंट थिंक ऑफ लिविंग ओवर विदाउट एयर कंडीशनर हाँ हमें भी एयर वाला घर दे दो हमेशा एयर कंडीशन में हमें रहना हो तो हम भी रह लेंगे बट वो प्लांट्स के पास वहां तो पर सुविधा है नहीं, वो है नहीं. So, वो कैसे कर पा रहे हैं वो कैसे मैनेज कर पा रहे क्वेश्चन इसके बाद देखो क्या हुआ है बट बिफोर अटेम्पटिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन एनसीआरटी कहती है बेटा इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये सोचो आप कि वी शुड पर फर्स्ट वाई आईली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शुड बॉर्डर ऑर्गेनिज्म अगर ये सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो रह कैसे पाते हैं बट फिर उन्होंने बोला इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि अगर बाहर की एक्सटर्नल कंडीशन बदलेगी तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा हमें क्यों बॉदर करता है इसके लिए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम हैं ह्यूमन्स तो मानते हो ना कोई अपने आप को एलियन तो नहीं समझता अरे मैडम नहीं ना वट वी आर वी आर ह्यूमन एक मैं ह्यूमन human. कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ह्यूमन्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है वी हैव मैनी सेल्स बहुत सारी सेल्स है हमारे पास ठीक है अब बेटा ये जो हम ऑर्गेनिज्म बने हैं ये एक साल के अंदर तो बने नहीं है ये जो आप स्पीशीज देखते हो ये बहुत सारे एवोल्यूशन का रिजल्ट है अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बेटा हमारी जो सेल्स है ना वो स्पेशलाइज हो चुकी हैं अपने टेम्परेचर को लेकर के जैसे हमारे पास जितनी भी सेल्स है बेटा ये सेल्स का जो एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल चर है कितना होता है बेटा हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपसे अगर कोई पूछता है तो आप बोलते हो ना कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है है ना ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट मींस हमारे जितनी भी सेल्स हैं सबका टेम्परेचर ये है दैट मींस हर एक सेल में जो इंजाइम है वो काम किस टेम्परेचर पे कर सकता है इंजाइम बेटा अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम कर सकता है जिसपे उसको करने की आदत है दैट मीन्स हमारे सेल का अगर एवरेज बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 सेवन डिग्री सेल्सियस है दैट मीन्स हमारे अंदर हर सेल के अंदर जो भी एंजाइम्स है क्योंकि आपको पता है बेटा हमारे अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन और वो कौन कैटलाइज करता है एंजाइम्स आपने 11 बायो भी पढ़ा हुआ है। आपको पता है किस रिस्पेक्ट में होती है के रिस्पेक्ट में अगर टेम्परेचर बदलो एंजाइम्स खराब हो जाती हैं एंजाइम्स अपने सही तरीके से काम नहीं कर सकती है ना तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड है दिस एंजाइम कैन वर्क एफिशेंटली

उससे क्या होगा अगर ये सारा काम चलता रहा हमारे सेल का 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहा तो हमारी इंजाइम्स बेटा बहुत बखूबी अपना सारा काम कर पाएगी और सारा काम करने की वजह से हमारे हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमारे सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और हम क्या रहेंगे बेटा फिट रहेंगे बट मान लो बेटा हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाए मान लो 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए जैसे आपको जब फीवर आता है बेटा तो फीवर के टाइम पर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 थोड़ी होता है तो आप देखो जब आपको फीवर आने लगता है क्या आप सही तरीके से काम कर पाते हो आपका काम करने का मन होता है क्या फिट हो नहीं फिट हो क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज हो गया है ठीक तो है आपका टेम्परेचर तो टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर हम दवाइयाँ खा खा के उसको नॉर्मल तक लाने थर्मोमीटर आप लगाए रहते हैं चेक करते रहते हैं नॉर्मल हुआ या नहीं जब आपका देखो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर सेल का पूरे ओवरऑल बॉडी का थर्टी सेवन आता है आप बेटर फील करने लगते हो लगता है कि हाँ आप खा सकता हूँ जब तक तो आप बीमार रहते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट टाइम आपको नहीं अच्छा लगता क्यों क्योंकि आपका सेल मतलब एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पा रहा और अगर सेल एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा क्यों क्योंकि एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही क्योंकि रीजन तो 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 है, है है? है, तो कि अगर हमारा सेल का टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा जो अंदर में रिएक्शंस होने वाले हैं एंजाइम्स आने वाले हैं वो सब सब बेकार हो जाते हैं ठीक है थीके? अब मैम ये चेंज कैसे होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा समर में टेम्परेचर हमारा अंदर के सेल का हमारे अंदर के सेल का थर्टी सेवन डिग्री है बट क्या बाहर का भी थर्टी सेवन डिग्री होता है समर में नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं बाहर तो फोर्टी भी जा सकता है समर में एक्सटर्नल कंडीशन फोर्टी फाइव भी जा सकता है बट जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशन बदलती है तो क्या हमारे अंदर का भी सेल का कंडीशन बदलता है नहीं हम रेगुलेटर्स हैं बेटा हम सबसे एडवांस्ड एनिमल्स हैं हम नहीं बदलने देते दैट मीन्स चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे स्प्रिंग हो चाहे ऑटम हो हम मेंटेन्ड कर लेते हैं तभी तो हम सबसे एडवांस्ड एनिमल्स हैं सोशल ही सही ठीक है तो इसीलिए हमें क्यों बॉडर करता है चेंजिंग एन्वायरमेंट क्योंकि अगर चेंज होता रहेगा एनवायरमेंट तो हो सकता है अंदर के ऑर्गेनिज्म के सेल का टेम्परेचर बदल जाए और इसके बदलने से एंजाइम्स बेटर काम नहीं कर सकती एंजाइम बेटर काम नहीं कर सकती तो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं आएगा ये एनसीआर ने समझा है ठीक है तो इसीलिए हमें हाईली वेरिएबल कंडीशन इन्वायरमेंट का इफेक्ट करता है ठीक है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है अब देखो वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस बहुत सारे स्पीशीज हैव इवॉल्वड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर जैसे हमारा कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर होता है दैट 37 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है दैट परमिट्स और इसी टेम्परेचर पे बेटा सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उसी टेंपरेचर पर हो सकते हैं अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ और जब ये सब होगा तो it is going to the of जो बेटा अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है जैसे हम हम नहीं बदलने देते जैसे हमारो चाहे विंटर हो अभी बेटा आठ दस डिग्री भी चला जाएगा वैसा तो थोड़ी कि हमारा अंदर का टेम्परेचर भी आठ दस हो जाता है नहीं हम सेम रखते हैं तो जो सेम इस फिना को कि बाहर का एक्सटर्नल इन्वासा भी हो अगर इंटरनल टेम्परेचर में रहता है थ्रू आउट तो इस फिना को होम्योस्टैसिस बोलते हैं पढ़ा होगा आपने पहले भी ठीक है तो और डिस्कस करते हैं आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिस जो हम एबायोटिक फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये देखो सबसे पहले होमियोस्टास पढ़ो होम्योस्टा क्या होता है बेटा वट इज होम्योस्टा होमियोस्टा या तो आप नेचुरली मेंटेन कर सकते हो या आप आर्टिफिशियली मेंटेन कर सकते हो सबसे पहले होम्योस्टास की डेफिनेशन लिख लो मेंटेनेंस ऑफ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज होमियोस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इक्टिव ऑफ इपेक्टिव बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ठीक है, जैसे टेम्परेचर को जब हम मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं है बेटा थर्मो रेगुलेशन क्या बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना अगर वर्ड थर्मो लगा हुआ है तो उसको थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है जैसे समर के टाइम पर जब 45, 50 भी पहुंच जाता है हमारा सेल का टेम्परेचर नहीं बदलता हमारा सेल 37 डिग्री ही रखता है दैट मीन्स अपने उसने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है मेंटेन करके रखा है तो एक प्रकार का ये थर्मो रेगुलेशन है जो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रहते हैं वो अपने ऑस्मै ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं ठीक है थीके? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन तो जो ऑर्गेनिज्म अपने ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को रेगुलेट कर ले जो ऑर्गेनिज्म अपने टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर ले दैट मींस वो होम्योस्टाइसिस कर पा रहा है अब होम्योस्टाइस करवाने के कर पाने के दो तरीके हैं या तो नेचुरल हो या तो आर्टिफिशियल हो सकता है जैसे अगर हम समर की बात करें बेटा समर में टेम्परेचर जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है दो तो तरीके नेचुरली बेटा पसीना आना शुरू हो जाता है स्वेटिंग शुरू हो जाती है तो वो एक नेचुरल तरीका है उस ज्यादा टेम्परेचर में रहने का क्यों क्योंकि स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग फिर जब एवेपोरेट करेगी तो इट इज गोइंग टू कॉज कूलिंग तो हमारे सेल का टेम्परेचर इस तरीके से मेनटेन हो जाता है फिर इन रेस्पेक्टिव में कितना भी टेम्परेचर हो नेचुरली तुम स्वेट आउट करके उसको कॉम्बैक्ट uh, कर सकते हो होम्योसाइसिस मेंटेन कर सकते हो नहीं तो पसीना नहीं चाहिए तो एसी में बैठ जाओ कूलर में बैठ जाओ नहीं आएगा ये आर्टिफिशियल तरीका है गर्मी uh, सर्दी के टाइम की देखो सर्दी में आप शिवर करना शुरू कर देते हो बिकॉज इट जनरेट्स हीट और उसकी वजह से हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो तुमने सर्दी में मेंटेन किया वो कैसा था शिवर करके काप के वो एक नेचुरल तरीका है है ना आर्टिफिशियल कैसा होता है हीटर के सामने बैठ जाओ कंबल लेकर के बैठ जाओ लेकर के बैठ जाओ, ब्लोअर के सामने बैठ जाओ खूब सारे कपड़े पहन लो, लोटि तो एक को so, एक्सटर्नल कंडीशन है जो मेंटेन कर पाते हैं उस फिनिना को हम होमियोस्टैसिस कहते हैं नेचुरली आर्टिफिशियली दोनों तरीके से किया जा सकता है दिस अपियर्स वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्स और होमियोस्टेसिस मेंटेन कर पाना नहीं कर पाना से बहुत सारे रिस्पॉन्स अभी आपने पढ़ने वाले हो जो ऑर्गेनिज्म शो करता है टूवर्ड्स फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल कंडीशन तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला रिस्पॉन्स जिसको हम रेगुलेट बोलते हैं रिस्पॉन्स का नाम है रेगुलेट जो ऑर्गेनिज्म ये रिस्पॉन्स शो करते हैं जो ऑर्गेनिज्म ये रिस्पॉन्स शो करते हैं बेटा उनको रेगुलेटर्स बोलते हैं अब नाम से आपको पता चल रहा होगा रेगुलेट दैट मीनस ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं ये ऑस्मोटिक कंसट्रेशन को रेगुलेट कर लेते हैं तो क्या सारे जानवर और सारे प्लांट कर सकते हैं नहीं कर सकते जितने भी बर्ड्स हैं मैमल्स हैं सारे के सारे बर्ड्स सारे के सारे मैमल्स होमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं जो ऑर्गेनिज्म बेटा होमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेता है चाहे वो नेचुरली करे चाहे वो आर्टिफिशियली वो रेगुलेटर्स में आते हैं तो सारे के सारे बर्ड्स और सारे के सारे मैमल्स इनके अलावा वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है और कुछ इनवर्टिब्रेड स्पीशीज ये होम्योस्टेसिस कर लेते हैं क्योंकि ये होम्योस्टेसिस कर लेते हैं इनको आप क्या बोलते हो इनको आप रेगुलेटर्स बोलते हो देखो नेक्स्ट लाइन लिखा भी हुआ है दे कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस होम्योस्टैसिस क्या होता है ऑलरेडी बता दिया अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना अगर कोई पानी वाला है तो अपने इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना वो कहलाता है होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस फिजोलॉजिकली भी कर सकते हो मतलब जो शरीर रिस्पॉन्स शो करता है एज वेल एज बिहेवियोरल भी हो सकता है बिहेवियोरल का मतलब क्या है बेटा जैसे सर्दियों के टाइम पर वॉट वी डू हम छत पर चले जाते हैं धूप सेकने के लिए है ना तो वो हमारा एक बिहेवियरल तरीका है सर्दी में अपने आप को थोड़ा सा सन बात करवा करके अपने आप के जो टेम्परेचर है उसको ठीक ठाक करना थोड़ा सा बिहेवियरल तरीका जब शरीर के अंदर को रिस्पॉन्स होता है किसी इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए तो हम उसको फिजोलॉजिकल तरीका कहते हैं तो दोनों तरीके से मेंटेन हो सकता है एक्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता बेटा तो प्लांट्स रेगुलेटर नहीं हो सकते हैं इसके बाद एनसीआरटी ये सब बताने के बाद कि कौन कौन रेगुलेटर्स में आता है क्या होते हैं रेगुलेटर्स इसके बाद एनसीआर बताती है कि जो सक्सेस स्टोरी रेगुलेटर्स की है ना कि वो क्यों कर पाते हैं इतने सक्सेसफुल क्यों है रेगुलेटर्स वो हमारे जैसे वो ह्यूमंस के सक्सेस स्टोरी से आप मैच कर सकते हो कैसे आओ देखो एनसीआर में एक छोटा सा पैराग्राफ है ये देखो क्या लिखा हुआ है मैकेनिज्म बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर टू दी वंस दैट वी ह्यूमंस यूज बहुत सारे मैमल्स बेटा जो हैं वो हमारा ही तरीका है। जैसे हम समर और विंटर के टाइम पर बड़े सुकून से रह पाते हैं ना वो भी रह सकते हैं ठीक है वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी सीजन हो बारिश का हो सर्दी का हो स्नो क्यों ना पड़ रही हो देखो कैसे समर में जब बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है वी स्वेट प्रोफ्यूजली बहुत पसीना आता है ठीक है ये कैसा तरीका हो गया बेटा ये एक नेचुरल तरीका हो गया इसकी वजह से क्या होता है एवोपोरेटिव एवोपोरेशन होता है पसीने का तो इट कॉजेस कूलिंग ठीक है सिमिलर टू वॉट विद डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन जैसा डेजर्ट कूलर बहुत ठंडा करता है बेटा ठीक है बहुत तो कि घर में होगा आपने देखा होगा यूज़ किया होगा काफ़ी ठंडक मिलती है, जिसके है। जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर समर में मेंटेन रहता है ठीक है जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है समर्स में इन विंटर जब टेम्परेचर इज़ मच लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर क्या होता है हमारी बॉडी शिवर कापना शुरू कर देती है यह एक प्रकार की बेटा एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है विंटर के टाइम पर ये कापना और स्वेटिंग इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल तरीका प्लांट्स नहीं कर सकते ठीक है या तो फिर जो लोग ए सी अफोर्ड कर सकते हैं वो ए सी यूज कर सकते हैं कूलर यूज कर सकते हैं ये एक आर्टिफिशियल तरीका है जो शिवर तो वैसे सभी कर लेते हैं तो ब्लैंकेट यूज करो बेटा क्विल्स यूज कर सकते हैं हीटर्स यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से हम होमियोसेस से मेंटेन कर लेते हैं ठीक है इसके बाद क्या सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो आप बोलोगे नहीं मैम सारे ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कर सकते ऐसा सारे ऑर्गेनिज्म होम्योसेसिस नहीं कर सकते दैट मीन सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे रेगुलेटर्स नहीं बने हैं तो जो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं जो अपना होम्योसेसिस चाहे वो थर्मो रेगुलेशन हो चाहे वो ऑसमो रेगुलेशन वो नहीं कर पाते तो वो कैसे ये बैटिक फैक्टर्स को शो करते हैं तो उसके लिए बेटा हमारे पास अलग प्रकार का एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम कन्फर्म बोलते हैं कन्फर्म रिस्पॉन्स का नाम है और जो एनिमल्स और प्लांट ये रिस्पॉन्स शो करते हैं बेटा उनको कन्फर्मर्स कहा गया है ज्यादातर 99% परसेंट ऑफ एनिमल्स बेटा नहीं कर सकते मेंटेन तो वो क्या है वो कन्फर्मर कहलाते हैं जितने भी प्लांट्स हैं नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ अंस्टंट इंटरनल इन्वायरमेंट दैट मीन्स दे के नॉट परफॉर्म क्या नहीं परफॉर्म कर सकते बेटा दे कैन नॉट परफॉर्म होमियोस्टेसिस ना तो ये टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं ना ये थर्मो रेगुलेशन में सक्षम है और ना ही बेटा ये ऑस्मो रेगुलेशन में सक्षम है ठीक है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है क्या मतलब है जैसे we are going to take example. मैं आपको दो केसेस देती हूँ बेटा आपको बताना है कौन से रेगुलेटर्स का केस है और कौन सा कन्फर्मर्स का केस है ठीक है तो so, आपके पास दो प्रकार के आ गए ये एक ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है ये एक ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता, करता है इसका बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इसका बॉडी टेम्परेचर फॉर एक्साम्पल थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड है ठीक है और इसका बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर है ना इंटरनल दिस इज टेम्परेचर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर मतलब इंटरनल बेटा इंटरनल की बात हो रही है मान लो बेटा ये ए ऑर्गेनिज्म है ये बी ऑर्गेनिज्म है ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल टेम्परेचर बाहर का हो गया है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ऑर्गेनिज्म, जिसका बॉडी 30 डिग्री है इसको बाहर के टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये अपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन कर रहा है जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है दैट मीन्स बेटा वो होम्योसेसिस कर पा रहा है अगर ये होम्योसेसिस कर पा रहे हैं दैट मीन्स ये क्या है बेटा ये है रेगुलेटर अब ये जो प्राणी है इसके बाहर जिस ये इन्वायरमेंट में रह रहा है वहां का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेटा मान लो वही सेम 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये क्या कर रहा है जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है ना ये वैसे वैसे अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर ले रहा है मतलब बढ़ा ले रहा है मेंटेन नहीं कर रहा बढ़ा ले रहा है तो पहले इसका इंटरनल बॉडी टेंपरेचर 35 था बाहर का एनवायरमेंट जैसे 45 हुआ ये चेंज कर लिया इसने अपना बॉडी टेम्परेचर और चेंज करके 45 डिग्री ले आया तो क्या ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है नहीं ये बदलते मौसम के साथ अपने बॉडी टेंपरेचर को बदलता चला जा रहा है तो ये होम्योसेसिस नहीं कर पा रहा ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा ये थर्मोरेगुलेशन नहीं कर पा रहा जो नहीं कर पाते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं कन्फर्मर्स कहते हैं और ज़्यादातर प्लांट्स बेटा नियरली ऑल प्लांट्स आ 99 परसेंट ऑफ एनिमल्स ये नहीं कर सकते मेंटेन तभी उनको कन्फर्मर के अंदर रखा गया है ठीक है इसका मतलब देखो यही है कि इनका बॉडी टेम्परेचर बदलते टेम्परेचर के साथ बाहर के टेम्परेचर के साथ सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ बदलता चला जाएगा चेंज होता चला जाएगा एक्विटिक एनिमल्स में जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है बॉडी फ्लूइड्स का वो चेंज चेंज होता रहता है एम्बियंट वाटर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन जैसे मछलियां वगैरह हैं बेटा जो उनका मान लो एक एक फेज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सारा जो मैकेनिज्म है वो उसी कंसंट्रेशन में हो सकता है ठीक है बट

तो सोचो क्यों नहीं बन सके वाई कन्फर्मर्स नॉट टू बिकम रेगुलेटर्स इसके लिए एक इवॉल रेगुलेटर्सा पैराग्राफाफर्मर में पैराग्राफ है है ना Conformer वाली ही लाइन में तो खोल करके बैठो मैं वही लाइन आपको बताने वाली हूँ लाइन टू लाइन मैं बोलने जा रही हूँ समझाने जा रही हूँ देखो रेगुलेटर्स बनने के लिए बेटा आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना करना पड़ता है जिसका नाम है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑक्समो रेगुलेशन ये जो थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन बेटा प्रोसेस होता है ना ये बहुत पैसे खर्च करवाता है अब सेल में पैसे खर्च करवाने का क्या मतलब होता है बहुत एनर्जी खर्च करवाता है अब एनर्जी खर्च करना सबके बस की बात तो है ही नहीं जैसे बेटा अगर आपको गर्मी से बचना है तो एयर कंडीशन ले लो बट क्या एयर कंडीशन एवरी वन कैन अफोर्ड सोचो तो बेटा हर किस्म के प्राणी हैं दुनिया में ठीक है किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में तो क्या हर कोई एयर कंडीशन अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता ना एयर कंडीशन नहीं अफोर्ड कर सकता चलो कर लिया बिजली का बिल बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता दैट मींस उसी तरीके से बेटा हर कोई इतनी एनर्जी खर्च करके थर्मो रेगुलेशन अफोर्ड करे वो नहीं कर सकता तो क्या करते हैं दे स्टार्ट बींग लगते हैं ये कंफर्मर बन जाते हैं ठीक है और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है दिस इज द रीजन बेटा कि छोटे जानवर आपको पोलर एरियाज में क्यों नहीं मिलते आपने हमेशा पोलर एरियाज में पोलर बियर्स को देखा होगा है ना आपको कभी वहां पर छोटे छोटे जानवर ऐसे बर्ड्स होती हैं वो नहीं दिखाई दी होंगे एनसीआरटी में बोला गया है क्यों नहीं दिखती है बेटा फॉर द सेम रीजन क्योंकि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उनका सरफेस एरिया बाय बाय वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो उतना छोटा छोटा होता है है ठीक स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव सरफेस एरिया रेशियो सॉरी उल्टा बोल दिया जैसे मान लो बेटा आपके पास तीन क्यूब्स हैं तो है थ्री क्यूब्स एक क्यूब का जो साइड है ये वन सेंटीमीटर का है ये टू सेंटीमीटर का है और ये थ्री सेंटीमीटर का है ठीक है ये क्यूब है तीन अब बेटा इतना तो एलेवेंथ क्लास में पढ़ा है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब का कैसे निकालते हैं इसका सरफेस एरिया निकालो और इस क्यूब का वॉल्यूम निकालो इसका भी सरफेस एरिया निकालो इसका भी वॉल्यूम निकालो इसका भी सरफेस एरिया निकालो इसका भी वॉल्यूम निकालो और निकालने के बाद इनका रेशियो निकाल लेना सर्फेज एरिया बाई वॉल्यूम तो होता क्या है बच्चों को ऐसा लगता है जो जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम उतना ज्यादा आता है नहीं जब आप इस क्यूब का निकालने बैठोगे ना तो जो सबसे छोटे साइज वाला क्यूब होता है ना उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो सबसे बड़ा आता है जितने भी छोटी चीजें होती हैं बेटा उनका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है तो जो छोटे प्राणी होते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह उनका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है ये ज़्यादा होने की वजह से ये अपने बॉडी हीट को जल्दी लूज़ कर लेते हैं और बॉडी हीट को जल्दी लूज़ करेंगे तो दोबारा से हीट जनरेट करने के लिए इनको बहुत एनर्जी चाहिए होगा इतनी एनर्जी है ही नहीं उन छोटे से प्राणी के पास उतनी एनर्जी के लिए इनको थर्मो रेगुलेशन करना पड़ेगा दोबारा से हीट लाने के लिए इनको थर्मो रेगुलेशन करना पड़ेगा थर्मो रेगुलेशन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो जो नहीं कर सकते वो वहाँ पर रहना नहीं, नहीं पसंद करते सो दिस इज़ द रीज़न ये ही नहीं कर सकते इसीलिए पोलर एरियाज में मिलते ही नहीं है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा मैं आपको एनसीआर रीडिंग लगा देती हूँ फिर आपको बता देती हूँ जब क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है ए टू जेड ओके लेट्स रीड आउट एनसीआरटी पार्ट तो एनसीआर टी में देखो क्या लिखा हुआ है बेटा ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट्स बेटा मेंटेन नहीं कर सकते ठीक है इनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बदलता रहता है बाहर के ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन एयर वाटर ठीक है उसके बाद ये जो एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं इनको हम सिंपली कन्फर्मर्स बोलते हैं जिनके साथ भी ऐसा होता है कंसिडरिंग बेनिफिट्स किसको मिलता है जो अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए और ये कौन मेंटेन कर पाता है बेटा रेगुलेटर्स तो रेगुलेटर्स सबसे एडवांस माने जाते हैं और इनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है तो उन बेनिफिट्स को कंसिडर करते हुए हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कन्फर्मर्स देखो ये क्वेश्चन आता है तो जवाब क्या है अब बोला गया है रिकॉल द्यूमन एनोलॉगी ठीक है लाइक हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड इन एयर कंडीशन एनॉलॉगी मतलब जो ऊपर एग्जाम्पल दी थे ना ह्यूमन का सक्सेस स्टोरी जो एनिमल्स की है रिलेट किया था ना कि मैमल्स भी करो तो पूछ रहा है एनसीआर क्या सब कोई एयर कंडीशन अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है ना तो आंसर क्या बोलोगे मेनी सिंपली स्वेट इट आउट बहुत सारे लोग बेटा पसीने निकाल कर ही ठीक है वो समर वाले टाइम को एस्केप करते हैं रहते हैं उस कंडीशन में एंड रिजाइन से वो अपने एक्टिविटीज के सेल को सब ऑप्टीमल लेवल पर पहुंचा लेते हैं स्वेटिंग करके ठीक है थर्मो रेगुलेशन बेटा एनर्जी वाइज बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू जो छोटे एनिमल्स हैं लाइक श्रीज एंड हमिंग बर्ड्स जो हीट लॉस और हीट गेन है बेटा वो फंक्शन होता है सरफेस एरिया का अब ये एक्सप्लेन किया था ना जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इनका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ज्यादा होता है जिसकी वजह से इनका बॉडी हीट जल्दी लूज हो जाता है बहुत जल्दी व्हेन इट इज सो कोल्ड आउटसाइड और पोलर एरियाज में तो ठंडी ज्यादा होता है बेटा हर जगह तो बर्फ है उसके बाद जब इनको दोबारा से हीट जनरेट करनी होती है दे हैव टू एक्सपेंड मच मच मोर एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो इनके बस की नहीं इतनी एनर्जी ये अफोर्ड कर सके सिमिलरली एनसीआर कहते हैं जिस तरीके से सारे लोग एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते सारे जानवर ये थर्मो रेगुलेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ठीक है दिस इज द मेन रीजन कि क्यों छोटे जानवर दे आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन डूरिंग दी कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो कॉस्ट है आगे पढ़ाएंगे ठीक है अच्छा हाँ एक और चीज कुछ एनिमल्स ऐसे भी है बेटा जो सिचुएशन देख करके रिस्पॉन्स करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है सम स्पीसीज हैिटी टू रेगुलेट बट ये रेगुलेट सिर्फ कुछ हद तक ही कर पाते हैं उसके बाद इनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ बदलने लगता है ठीक है उसके बाद ये सिर्फ कन्फर्मर की तरह रह पाते मतलब तुम समझ लो ये आधे टाइम के लिए रेगुलेटर है आधे टाइम के लिए कन्फर्मर तुम इनको पार्शियल रेगुलेटर भी कह सकते हो पार्शियल कन्फर्मर भी कह सकते हो बट एनसीआर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटा पार्शियल रेगुलेटर कहती है ठीक है तो अब मैं आपको कुछ नोट पॉइंट्स दिखाती हूँ पहला नोट पॉइंट है ये कि क्यों कन्फर्मर्स रेगुलेटर्स नहीं बने answer हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ये जो मैंने आपको पूरा पर समझाया ना ये ये है है बेटा उस यही लिखना है, अपने भाषा में समझ करके एक एक लाइन तुम्हें तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है जो समझा है उसको कन्वर्ट करना है दिस इज दूसरा नोट पॉइंट क्या है कुछ स्पीशीज दे एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद ये कंफर्म करते हैं दैट मीनस उनका टेम्परेचर बदलता रहता है उनको हम पार्शियल या लिमिटेड रेगुलेटर्स कहते हैं इसका कोई एक एग्जाम्पल नहीं है इसका कोई कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है बेटा कोई भी स्पीशीज होता है डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन अगर अपना एग्जाम्पल बेटा जब तुम तो टेंथ का एग्जाम देते हो उसके बाद आपको बोलते हैं स्ट्रीम सेलेक्ट करो स्ट्रीम सेलेक्ट करो अब उस टाइम पे ना Uh, समझ सा नहीं आता क्योंकि इतने सीरियस नहीं होते स्ट्रीम में तो सेलेक्ट करना है कोई सा, कोई साइंस ले लेता है जिसका थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है को, कोई आर्ट्स कोई ह्यूमैनिटी कोई कॉमर्स ठीक है अब जो बच्चा साइंस में लिया साइंस तो ले लिया अब साइंस लेने के बाद एक दो महीने के बाद आप पढ़ रहे हो फिर लगता है यार इतनी टफ ठीक है नहीं हो रही समझ में नहीं आ रही क्यों मैं कर रहा हूँ मेरे को तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा आज की या कॉमर्स की तरफ चले जाना चाहिए मैं कॉमर्स कर करके अपने ज़्यादा मेरे पास एबिलिटी ज़्यादा पोटेंशियल में ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाऊंगा तो कुछ टाइम तक दो तीन महीने तक तुम सिलेबस को कोप कर रहे हो ठीक है यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन सब कुछ बट हो नहीं पा रहा है तो तुम निकल लिए है ना सेम कॉमर्स वाले बच्चों के साथ भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया फिर उनको लगने लगा कि नहीं आ, मुझे साइंस वाला स्ट्रीम में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मैं साइंस में रहता या रहती तो ज्यादा अच्छा कर पाती तो ये एक तरीके का सिचुएशन बेसिस पर जब आप रिस्पॉन्सो करते हो तो ऑर्गेनिजम्स भी ऐसा करते हैं ठीक है तो एक पैरा पैराग्राफ कह रही हूँ एक हमारे पास ये है ग्राफ तो देखो एक इंटरनल लेवल है ठीक है दिस इज इंटरनल इन्वायरमेंट वाई एक्सिस पर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है एक्स एक्सिस पर ठीक है आपको तीन लाइंस दिख रही है तीन ग्राफ्स है जो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं जो अपना कांस्टेंट इंटरनल लेवल मेंटेन कर पाते हैं इनरेस्पेक्टिव बाहर का कैसा भी है उनको रेगुलेटर कहते हैं जो अपने आपको वक्त के साथ बदलता रहता है ठीक है इंटरनल लेवल बदलता चला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल लेवल उनको हम कंफर्मर कहते हैं जो आधे टाइम के लिए रेगुलेट करें आधे टाइम के लिए कंफर्म करें उनको हम पार्शल रेगुलेटर बोलते हैं अब NCRT के देखो एक प्रॉब्लम एनसीआरटी ने जब डिफाइन किया है तो उन्होंने बोला है पहले वो रेगुलेट करते हैं फिर कंफर्म करते हैं यही बोला है ना लेकिन ग्राफ में देखो तो इनको दिखा रहे हैं पहले ये कन्फर्म कर रहे हैं फिर ये रेगुलेट कर रहे हैं ठीक है तो एनसीआरटी ने जो ग्राफ बनाया है और एनसीआरटी ने जो लिखा है उसमें ज्यादा तालमेल नहीं है बट कोई बात नहीं एन सी आर टी है सराखों पर है तो आपको वही बना लिखना है और जब पूछा जाए ग्राफ तो ये ग्राफ बनाना तुम्हें तो इफन बट करने की जरूरत ही नहीं बिकॉज जो तो भी पूछना है जिसका भी रेफरेंस बनाना है एन ही बनती है रेफरेंस में कोई कभी परेशानी आएगी नहीं ठीक है इसके बाद बेटा एक और एन बात कहती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स देखो मेजर जो रिस्पॉन्स है वो रेगुलेटर है और कन्फर्मस ही है कुछ ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर्स हैं कुछ ऑर्गेनिज्म कन्फर्मस हैं ठीक है जो मेंटेन कर पाते हैं वो रेगुलेटर्स जो नहीं कर पाते वो कंफर्मर्स बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है बेटा अगर मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन बहुत कम टाइम के लिए आ रही है तो ये दो अलग प्रकार के अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जब ये एबाटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनिजम्स फॉलो टू अदर ऑल्टरनेटिव अपने सर्वाइवल के लिए ठीक है एक रिस्पॉन्स है माइग्रेट और चौथा रिस्पॉन्स है सस्पेंड अंडर लोकलाइज या शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन ऐसे बहुत सारे लोग बेटा गर्मियों के टाइम पर अपना एक फार्म हाउस लेकर के रखा है हिल स्टेशन में वहाँ चले जाते हैं दो तीन महीने वहीं रह करके आते हैं जब अप्रैल मई जून का काफ़ी गर्मी वाला टाइम होता है जब तक बारिश ना आ जाए तो थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन थी ना तो थोड़े टाइम के लिए माइग्रेट कर जाओ ठीक है या फिर बहुत लोग गर्मी के टाइम धूप में निकलते ही नहीं है ठीक है अपने एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दो ठीक है तो दो तरीका होता है बट तभी अपनाओगे जब स्ट्रेसफुल कंडीशन काफी प्रोलॉन्ग नहीं है ठीक है तो माइग्रेट पढ़ लेते हैं माइग्रेट क्या है ऑर्गेनिजम बेटा मूव अवे फ्रॉम टेम मूव अवे टेम्परली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट अ मोर हॉस्पिटेबल हॉस्पिटेबल एरिया और वापस आ जाते हैं जब स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर जैसे आप चले गए अप्रैल में ठीक है बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है समर वेकेशन सारे बच्चे घूमने के लिए जाते होंगे ठीक है तो दो तीन महीना वहाँ रह कर के आओ ठीक है फिर स्कूल खुल जाता है जुलाई में तो जुलाई में वापस आ जाओ तो परमानेंट नहीं जा रहे हो टेम्प्रेरी जा रहे हो क्यों जा रहे हो क्योंकि अभी यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है स्ट्रेसफुल कंडीशन बड़ी गर्मी हो रही है ठीक है तो ठंडी जगह चले जाओ मोर हॉस्पिटेबल एरिया ठीक वापस से जब स्ट्रेसफुल कंडीशन बारिश हो जाएगी तो वापस आ जाओ सेम समर के टाइम पे पता है बहुत सारे बेटा कश्मीर के लोग हैं जब वहाँ बहुत स्नो पड़ती है या मनाली के लोग हैं तो ये मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स नीचे की तरफ ठीक है अब देखो बद्रीनाथ वगैरह क्लोज्ड है ठीक है दे आर नोट नो बडी इज़ अलाउड क्योंकि वहाँ का कंडीशन स्ट्रेसफुल है लेकिन जब दोबारा से मौसम आएगा तो आप देखना फिर से लोग जाना शुरू कर जाएंगे दुकानें खुल जाएंगी ठीक है तो यही तरीका होता है दिस इज़ कॉल्ड इज माइग्रेशन ठीक है बहुत सारे एनिमल्स बेटा बर्ड्स पर्टिकुलरली बर्ड्स अब बेटा बर्ड्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं है उनका कोई खर्चा लगने लगाना है उनका पेट्रोल लगना है उनका डीजल लगना है उनको गाड़ी से चला आना है ठीक है उनको तो बस उड़ के जाना है कोई बाउंड्री नहीं है कोई चेकिंग वाला नहीं है ठीक है कितना मस्त है उनके लिए उनको कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है कोई एयर टिकट्स नहीं चाहिए वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेशन शो करती है एक कंट्री के नहीं एक स्टेट की नहीं एक एरिया की नहीं एक दूसरे कंट्री के बर्ड्स हमारे कंट्री में आ सकती है बिना पासपोर्ट और वीजा लगवाए ठीक है क्यों आती है जब उसकी कंट्री का मौसम बदल जाता है ठंडा हो जाता है तो हमारी कंट्री में आ जाती है तो देखो बहुत सारे बर्ड्स विंटर के टाइम पर दे टेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन और फिर हॉस्पिटेबल एरिया का मतलब होता है जो उनके लिए फेवरेबल एरिया है ठीक है जैसे हमारे लिए अभी ठंड आने पाएगी तो हमारे लिए फेवरेबल एरिया क्या होगा गोवा चलो घूमने वही रहते हैं कुछ टाइम के लिए ठीक है गर्मी आएगी तो हमारे लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा ठीक है हिल स्टेशन तो फेवरेबल एरिया बदलता है डिपेंडिंग अपॉन दी मौसम डिपेंडिंग अपॉन सीजन उसके बाद हर विंटर में ऐसा नोटिस किया गया है बेटा एक बहुत फेमस केलाडो नेशनल पार्क है ठीक है भरतपुर में इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं बेटा इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते मैं बहुत टाइम पहले की बात बताती हूँ बहुत टाइम पहले आई अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर गई हूँ इस बर्थ सेंचुरी में एक्चुअली वी वर विजिटिंग आगरा फतेहपुर सीकरी वाला साइड तो वहाँ से ना आई गेस बहुत ज्यादा पास में ही है क्योंकि ये राजस्थान के बॉर्डर पर ही है मतलब बॉर्डर पर ही पड़ता है आप आसानी से अपने ड्राइव करके जा सकते हो वहाँ पर जैसे बाकी क्या आपने नेशनल पार्क्स में देखा होगा कि जीप के अंदर बैठ जाओ अपनी गाड़ियाँ लेकर के चले जाओ वहाँ पर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है बिकॉज आप हॉर्न्स बजाओगे तो बेटा सेंसिटिव होती उड़ के चली जाएंगी तो वहाँ पर रिक्शे में बैठ के जाना होता है ठीक है और रिक्शे वाले ही आपके गाइड होते हैं अगर आपको साइकिलिंग साइकिलिंग वगैरह आती है तो साइकिल भी ले सकते हो रेंट पर वहाँ पर इस तरीके से यू कैन डू अ बर्ड वॉचिंग ठीक है तो साइबेरियन क्रेन इनका नाम साइबेरियन इस क्रेन से समझ में आ गया कि साइबेरिया से आती है बेटा हजारों किलोमीटर तय करके और हमारे यहाँ के इस बर्ड सेंचुरी में आकर के रहती है जब साइबेरिया का टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है उस टाइम पर उस नेगेटिव टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए वो माइग्रेट करते हैं और हमारे राजस्थान के एक बर्ड सेंचुरी में आकर के रहते हैं जब साइबेरिया का मौसम ठीक हो जाता है तो ये वापस चली जाती है देखो लिखा हुआ है हर विंटर में जो फेमस भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में ये होस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नदन रीजन ठीक है उसके बाद एक तरीका होता है बेटा सस्पेंड कर जाना स्कूल में कितने लोग सस्पेंड हुए जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोग सस्पेंड हुए स्कूल में हुए हो गए क्योंकि बच्चे मन के सच्चे ठीक है थोड़ी सी तो तुम्हें शैतानी करनी होती है स्कूल में है ना एंड स्कूल में शैतानी करते हो तो जनरली कब करते हो दिवाली के टाइम पे पटाखे फोड़ने के लिए अगर बत्ती जला करके चले आते हो ठीक है पता लगता है नहीं किसने फोड़ा है तो सब होते हैं ठीक है ये थोड़ा बहुत काम किया होगा कभी जोश जोश में लड़ाई की होगी तो सस्पेंड होने से क्या होता है सस्पेंड होने से ही होता है कि तुम घर पर बैठ जाते हो जब घर पर बैठ गए हो पता चल रहा है तुम्हें स्कूल में क्या चल रहा है नहीं ना तुम्हें होमवर्क पता है ना तुम्हें होमवर्क करना है कुछ नहीं करना यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल तो तुम्हारा रेस्ट टाइम एक तरीके से है ना इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी सस्पेंड हो सकता है रेस्ट में चला जाता है उस टाइम पर वो कोई काम नहीं कर रहा होता जब तुम सस्पेंड हो जाते हो स्कूल का कोई काम कर रहे हो तो नहीं तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम्हें हवा ही नहीं लग रही है है ना तो सस्पेंड का सीधा साधा मतलब वही है ठीक है अगर वो समझ के पढ़ोगे तो बड़ी ईजिली समझ में आ जाएगा पता नहीं क्या और पेन बार बार गिरे जा रही है यस yes, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है बेटा लाइफ साइकिल इन अ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म चेंज कर लेता है अपने डेवलपमेंटल पैटर्न को फिजोलॉजिकल पैटर्न को स्ट्रक्चरल पैटर्न को एंड बायो केमिकल बिहेवियर टू पास थ्रू अनफेवरेबल कंडीशन ठीक है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है बेटा ये स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं द स्ट्रक्चर्स फॉर्म ड्यूरिंग पेरिनेशन द स्ट्रक्चर्स फॉर्म ड्यूरिंग पेरिनेशन हम उसको क्या बोलते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स सिंगल आर होगा डबल एन होगा पेरिनेशन क्या होता है बेटा एक ऐसी स्टेज स्टेज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है उसको पेरिनेशन अनफेवरेबल कंडीशन तो होता क्या है बेटा जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए ऑर्गेनिज्म के लिए अब ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है जब उसके मुताबिक उसको खाना ना मिले उसके मुताबिक का उसको टेम्परेचर ना मिले उसके मुताबिक उसको कुछ ना मिले दैट मीन उसके लिए वो अनफेवरेबल हो गया है उस अनफेवेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं करता वो एक स्टेज में चला जाता है जो स्टेज को हम बोलते हैं पेरिनेशन और उस स्टेज में वो जो भी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है उस अनफेवर कंडीशन से बचने के लिए बेटा उसको पेरिनेटिंग स्टेज कहा जाता है सॉरी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है तो सस्पेंड के दौरान वो क्या करता है बेटा ये बहुत सारे पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है कि वो एड एडवर्स इन्वा कंडीशन से बच सके जैसे याद करो इलेवेंथ में पढ़ाया गया होगा बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बना लेता है

क्यों बनता है जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है है ठीक तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं सस्पेंड के जैसे थिक वॉल स्पोर्स बन जाते हैं बैक्टीरिया में फंजाई में एंड लोअर प्लांट लाइक एलगी और ये थिक वॉल स्पोर्स क्या कहलाएंगे पेरिनेटिंग स्पोर्स पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्योंकि कब बनते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्यों बन रहे हैं इनको बचाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन से ठीक है थीके? बहुत सारे हायर प्लांट्स बेटा डॉर्मेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं डॉर्मेंट का बेटा सीधा साधा मतलब होता है इनएक्टिव जैसे तुमने सुना होगा जो फटते नहीं है वो इनएक्टिव है वो स्लीपिंग कहे जाते हैं तो प्लांट भी अनफेवरे कंडीशन से बचने के लिए ठीक है क्या करता है डॉर्मेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जैसे ये बनाता है डॉर्मेंट सीड्स या क्या बनाता है डॉर्मेंट बर्थस

क्योंकि उसको उसकी कंडीशन बाहर की कैसी अनफेवरेबल है तो अगर वो जर्मिनेट करा लेगा ना तो पेट पौधा ही मर जाएगा तो फायदा क्या तो वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन चली जाती है तब वो जर्मिनेट कराता है इसी प्रकार से बेटा वो डॉर्मेंट बर्ड्स बनाता है जो बर्ड जर्मिनेट ही नहीं करते क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये सब इसलिए हो रहा है बेटा अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं कब जब दोबारा से कैसी कंडीशन आ जाए फेवरेबल ठीक है नेक्स्ट इसके अलावा एनसीआरटी क्या क्या एग्जांपल देती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है बेटा ये अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं जैसे आपने सुना होगा एक हाइबरनेशन होता है हाइबरनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा विंटर स्लीप जैसे विंटर के टाइम पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं सो दैट कम एनर्जी खर्च हो क्योंकि कम एनर्जी खर्च होगी तो उनको कम मतलब कम एनर्जी खर्च होगी तो उनको इतनी एनर्जी सेव करनी नहीं तो बॉडी हीट बहुत ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी ना सर्दियों के टाइम पर तो ये क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं उस पीरियड को हम कहते हैं बेटा विंटर स्लीप या हाइबरनेशन कौन शो करता है बेटा बियर स्नेल्स और फिश क्या करती हैं बेटा समर के टाइम पर इनसे कुछ काम होता नहीं इतनी गर्मी होती है अब काम कर करेंगी तो बहुत एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी दोबारा से अपने बॉडी टेम्परेचर को कूल cool डाउन करने के लिए तो ये अवॉइड कर, कर देते हैं स्लो डाउन कर देते हैं समर के टाइम पर उसको हम क्या कहते हैं एस्टिवेशन या आप इसको क्या कहते हो समर स्लीप ठीक है कुछ जू प्लैंग होते हैं बेटा वो भी अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड करते हैं मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं तो वो जो स्टेज जो जू प्लैंगटॉन शो करते हैं बेटा उसको डायापोज कहते हैं डायापोज भी एक तरीके का सस्पेंशन ही है बट ये फिनमिना ये नाम आप किस में यूज करते हो जू प्लैंगटॉन्स में एनसीआरटी में लिखा हुआ है कि डायापोज क्या होता है बेटा एक स्टेज होती है सस्पेंडेड डेवलपमेंट की जो हमारे जू प्लैंगटॉन से मिलती है जो हमारे लेग्स और पॉन्स में मिलते हैं तो हमने चार रिस्पॉन्सेस पढ़ लिए बेटा एनसीआर के जो एक होता है रेगुलेट ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर कहते हैं एक होता है कन्फर्म ऑर्गेनिज्म को कन्फर्म कहते हैं जो दोनों कर सके आधा आधा वो पार्शियल रेगुलेटर्स कहा जाता है ग्राफ भी दिखा दिया ठीक है ग्राफ में क्या करते हैं बेटा ये लेबलिंग्स रिमूव करते हैं और आपको लेबलिंग्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ठीक है इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स अगर लोकलाइज थोड़े टाइम के लिए फेवरेबल कंडीशन चली गई है तो उस समय पर या तो माइग्रेट कर लो या तो सस्पेंड कर लो ठीक है तो ये चार है हमने एनसीईआरटी भी डिस्कस कर ली है ओके नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो अडाप्टेशन पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है बट पूरा अडेप्टेशन नहीं पढ़ेंगे आज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी अडेप्टन के एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज अदरवाइज बड़ा हो जाएगा आपके लिए आज आप ये पढ़ो रिवाइज करो एनसीईआरटी से नेक्स्ट लेक्चर में हम अडेप्टेशन की बात करेंगे क्या होता है टी के रीडिंग से समझते हैं वाइल कंसिडरिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल टू कोप करने के लिए विद डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशन इन एनवायरमेंट वी हैव सीन दैट एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू आउट सर्टन फिजोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स वाइल अदर्स डू सो बिहेवियोरली ठीक है इसका मतलब समझ में आ गया होगा सबको कि कुछ ऑर्गेनिज्म अप फिजोलॉजिकली अपने शरीर के अंदर चेंजेस लाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन से कोप अप करने के लिए और कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं जैसे माइग्रेशन करना एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स इन्वायरमेंटल हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल माइग्रेट कर जाना टेम्पररी टू तो अ स्ट्रेस लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट ये एक तरीके का बिहेवियरल एडजस्टमेंट है बिहेवियरल एडाप्टेशन है जो ऑर्गेनिज्म शो करता है ये जो रिस्पॉन्स है ये एक्चुअली इनका एडेपेशन ही तो है बेटा ठीक है आप स्वेटिंग होना शिवर करना ये एक तरीके का अडेप्टेशन ही तो है जो हमारी शरीर शो करती है ठीक है तो सो वी कैन से दैट कि जो एडेप्टेशन है बेटा इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म का ठीक है वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब वो अपने बाहरी रूप से चेंजेस ला सकता है जैसे कैक्टस वगैरह में स्पाइंस होती हैं बेटा वो एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टन है या तो वो फिजोलॉजिकल अडेप्टन शो कर सकता है जो हमने डिस्कस किया था समर और विंटर वाला या वो बिहेवियरल शो कर सकता है कभी धूप सेकने चला जाए कभी माइग्रेट कर ले तो तीनों प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म तीनों प्रकार के अडेप्टन शो करके वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है और ये अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म को इनेबल करती है उस जगह पर सर्वाइव करे और रिप्रोड्यूस करे जहां पे भी वो रह रहा रहा है 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 जिस भी हैबिटेट में वो वो रह बहुत सारे जो है बेटा इवॉल्व हो चुके हैं ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम और अब वो जेनेटिकली फिक्स हैं जैसे कैक्टस अब कैक्टस के जब बच्चे भी आते हैं बेटा नया प्लांट आता है नया पौधा आता है तो उसकी भी जो लीव्स है वो स्पाइन में ही आती हैं शुरू से ही

केंगेरू रैट कैसे रहता है एक डेजर्ट में ये सब हम पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में डिस्कस करेंगे सारे अडेप्टेशन ठीक है तो मिलते हैं बेटा जल्दी नेक्स्ट क्लास में डीपीपीस में आपके क्वेश्चन से प्रैक्टिस शीट में जरूर प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तो तक के लिए बाय बाय टेक केयर एवरीवन बाय बाय